हाय एवरीवन, सो अभी हम जा रहे हैं पकोड़े खाने के लिए। उस दिन जब हम जूनागढ़ गए थे तो पकोड़े खाना रह गया था, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। अभी बारिश तो नहीं हो रही है पर अच्छा खासा मौसम हो रखा है बारिश का, तो ऑफ कोर्स पकोड़े खाने में बड़ा मज़ा आएगा। पकोड़े खाने के लिए हम जा रहे हैं तलाला, जो वेरावट से काफ़ी दूर है। तो पहुंचते पहुंचते हमें ऑलमोस्ट अंधेरा हो ही चुका है, लेकिन मौसम इतना बढ़िया है कि पकोड़े खाने में बड़ा मज़ा आएगा। सो ये हम पहुंच चुके हैं बापूना कुंभाणिया भजिया एंड गांठिया एंड चा। सो बेसिकली हमें नहीं पता था, लेकिन यहाँ के कुंभाणिया भजिया बहुत ज़्यादा फेमस है। ये यहाँ पर सिंपली तरीके से बना रहे थे, जितना ऑर्डर मिलता है वो उतना ही बनाते, एक्स्ट्रा नहीं बनाते। और हमने छाछ भी साथ में मंगवाई थी, वैसे लोकल छाछ भी बहुत बढ़िया आती है, पर यहाँ पर पैकेट मिल रही थी। हाय सारा। हर जगह कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है। यहाँ पर ये बास्केट में ऐसे ऑनियन रखी गई थी, हमें खुद से काटनी है। और ये कुछ पकोड़े मंगवाए थे पर वो सब हम एक्साइटमेंट में खा चुके हैं। ये टमाटर का एक पकौड़ा बच गया है, सारा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ऑनियन खुद से काटना है तो वेस्ट कम होगा, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। यहाँ हर जगह ये मिर्चियाँ बहुत बेस्ट मिलती है, इतनी तीखी नहीं होती और खाने में बड़ा मज़ा आता है। ऑनियन हमने काट दी है और ये आ गए हमारे कुंभाणिया भजिए मीन्स पकोड़े। तो ये इतने छोटे से थे और इतने क्रिस्पी थे, बहुत बढ़िया थे। आई कैनॉट एक्सप्लेन बट ये बहुत अच्छे थे। आप कभी भी यहाँ सोमनाथ वेरावड़ आ रहे हो या सौराष्ट्र आ रहे हो तो ये ज़रूर ट्राई करना, जूनागढ़ में भी अच्छे मिलते हैं। इसके साथ हमने ऑनियन खाई और हमको कुछ चटनी भी वहाँ पर रखी गई थी, तो ये वो तीन चटनी है, तीनों की तीनों चटनी बहुत अच्छी थी। ये है सारा की फेवरेट चिप्स। वहाँ पर पकोड़े में और भी वैरायटी थी, तो जिसमें से एक थे ये मिर्ची वड़े, जिसमें अंदर का स्टफिंग कुछ अलग तरीके का था, पटेटो का नहीं था, तो ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे खाने में, तो ये भी हमने दोबारा ऑर्डर किए। ये जो तलाला और सासन का हाईवे है ये वही है बापू भजिया एंड गांठिया। सारा भजिया मज़ा आया खा के? ये ये है 24 आवर लाइव अवेलेबल, तो ये पूरी रात ओपन रहता है। पकोड़े खा के चले हम घर। आप भी कभी इधर आ रहे हो, सौराष्ट्र आ रहे हो, जूनागढ़ तक भी आ रहे हो, तो ये कुंभाणिया भजिया ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत बहुत यम्मी है।